हरा भरा नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे, हरे भरे होंगे, फूलों की तरह खिल रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आपका साथ ऐसे ही बना रहे और आपके साथ मैं ऐसे ही वीडियोज़ जो है लगातार शेयर करता रहूँ। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना ये खूबसूरत सा पीले फूलों का प्लांट येल्लो टकोमा। इसको दोस्तों ट्रम्पेट टकोमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो फूलों की शेप है वो एक ट्रम्पेट की तरह होती है। ट्रम्पेट एक छोटा सा बाजा होता है, उस पर इसकी जो शेप है उस पर इसका नाम गया है। लेकिन अगर आप नर्सरी से लेने जाएं तो आप उनको कहिए कि मुझे येल्लो टकोमा चाहिए, तो आपको आसानी से ये पौधा मिल जाएगा। इसमें दोस्तों एक कलर और आता है ऑरेंज कलर का, वो भी है मेरे पास, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं है अभी। लेकिन ये जो येल्लो कलर है इसमें फूल बहुत ब्राइट कलर के और दूर से ही नज़र आते हैं दोस्तों, आप दोनों लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरे पास करीब 2.5-3 साल से प्लांट है और थोड़ा मैच्योर हो गया है। इसकी दोस्तों लंबी लंबी टहनियाँ जो हैं वो एक तरफ को झुक जाती हैं और हैंगिंग बास्केट की तरह आपको ये फीलिंग देगा। आप इसकी अगर प्रूनिंग नहीं करेंगे तो तब भी खूबसूरती इस प्लांट की बनी रहेगी, क्योंकि लंबी लंबी टहनियाँ एक तरफ को झुकती रहेंगी और फ्लावरिंग उन टहनियों में होती रहेगी। दोस्तों इसकी जो फूलों की शेप है मैंने बताया आपको ट्रम्पेट की तरह है, तो इसमें मधुमक्खियाँ इनके फूलों के अंदर घुसती हैं, उसमें शहद बनाने के लिए अपना मटेरियल कलेक्ट करती हैं। कभी कभी जो हमिंग बर्ड है जिसकी लंबी सी चोंच होती है, वो भी इसके अंदर से अपना जो फूड है वो कलेक्ट करती हैं। कभी वीडियो बनी या फोटो क्लिक की तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों ये पौधा आपको पूरी गर्मियाँ फूल देता है और सर्दियों में भी ये करीब 1 या 2 महीने छोड़कर बाकी पूरी सर्दी आपको ये फूल देता रहता है। गुच्छों में फूल आते हैं, देखिए अभी ये फूल खिले भी हुए हैं और नए फूल तैयार हैं। ऐसे पूरी सर्दी आपको ये फूल देता रहेगा दोस्तों। दोस्तों इसकी अगर लाइट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये जो प्लांट है मेरा, ये पूरा दिन सन में रहता है, फुल सन में, ब्राइट सन। बहुत गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ पे और अच्छा ये ग्रो कर रहा है। ये चंडीगढ़ का एरिया दोस्तों, और पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक इसके ऊपर धूप पड़ती रहती है। तो ये इसकी सन की रिक्वायरमेंट है, पार्शियल शेड देंगे तब भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और दोस्तों मिट्टी की अगर इसकी बात करें तो इसकी मिट्टी आप जैसे बोगनविले की आप रखते हैं, वैसे ही आप इसको मिट्टी आप रख सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखें कि मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन्ड हो, 50% गार्डन सॉइल मिलाएं उसमें आप, 50% सैंड मिलाएं और 20-30% जो है दोस्तों उसमें आप वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। मैं हमेशा वर्मी कंपोस्ट ही मिलाता हूँ, तो ये मिट्टी इसके लिए बहुत परफेक्ट रहेगी और नमी बनी रहे इसमें। और कभी कभी अगर पानी मिस भी हो जाए तो ये ड्रॉट टॉलरेंट होता है बोगनविले की तरह दोस्तों। उसके बाद दोस्तों खाद की अगर मैं बात करूं तो खाद इसमें जब आप इसको नर्सरी से लाएं तो उसी वक्त इसमें अच्छी खासी वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दें, और उसके बाद साल में 1-2 बार इसमें आप बोन मील या जो भी थोड़ी बहुत खाद डालना चाहें आप डाल सकते हैं। खाद को ये अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन उसके अलावा उसके बजाय भी इसमें फ्लावरिंग दोस्तों आपको निराश नहीं करती है, फ्लावरिंग इसमें होती रहती है। और इसके पत्ते देखिए नीम के पत्ते की तरह है, पत्तों की खूबसूरती भी है, छोटा बुश की तरह इसकी शेप हो जाती है। आप इसको प्रूनिंग करते रहिए तो ये बुश बन जाएगा, प्रूनिंग नहीं करेंगे तो देखिए मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की है तो टहनियाँ इसकी लटकी हुई हैं दूर दूर तक, और अच्छा आपको ये हैंगिंग फ्लावर की तरह एक फीलिंग जो है वो दे रहा है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें कोई पेस्ट अटैक या किसी तरह की बीमारी की, तो ये दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल डिजीज़ फ्री, पेस्ट फ्री प्लांट है। इस पर कोई बीमारी मैंने, कोई पेस्ट वगैरह नहीं देखा है, कोई मिली बग मैंने आज तक इस पर नहीं देखा। लेकिन अगर आपको ऐसा कभी लगता है तो जो नॉर्मल फार्मूला है दोस्तों, थोड़ा सा नीम ऑयल लीजिए, हल्की सी उसमें सोप मिक्स कीजिए, पानी मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे मेरी तरफ से ये पेस्ट फ्री और डिजीज़ फ्री प्लांट है। एक दोस्तों मैं ये नया प्लांट लेकर आया हूँ नर्सरी से, क्योंकि मैं इस जो मेरा साथ वाला प्लांट है इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि एक प्लांट में थोड़ा सा इसको ट्री की शेप दूँ, बोनसाई बनाने की मैं इसको कोशिश करूँगा। आपके सामने दोस्तों देखिए मैं इसको ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, ऐसे हिट करके इसको आप निकालिए ताकि जड़ें डैमेज ना हो, और इससे बस थोड़े से बड़े ही पॉट में मैं इसको दोस्तों ट्रांसप्लांट कर दूँगा, और कोशिश करूँगा कि इसको मैं बोनसाई की शेप दूँ, एक कैनोपी बनाऊँगा इसको पेड़ की तरह बना कर दोस्तों। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, अगली वीडियो के साथ मैं जल्द आपके साथ आऊँगा। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए हरा भरा नमस्कार, खुश रहिए, खिलते रहिए, नमस्कार।